हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईएससी एंड आईसीएसई बोर्ड। वेलकम टू आईसीएसई कनेक्ट। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इंपॉर्टेंट। आपके फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो एज ऑफ अर्थ को कैसे पता करेंगे, राइट? एज ऑफ अर्थ में हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था, जिसको हम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस, राइट? हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? टाइडल फोर्स पढ़ लिए, हम लोग ने क्या पढ़ लिया? सेडिमेंटेशन पढ़ लिया, हम लोग ने इरोजन प्रोसेस पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। अब इसमें क्या है, मतलब ये कौन सी थ्योरी है जो हम लोग ओशियन की सैलिनिटी से पता कर लेंगे कि भाई रियलिटी में एज ऑफ अर्थ क्या है? पता है सिंपल चीज क्या है, हम लोग ने इसमें एक चीज को एनालाइज किया, मतलब कि एक तरीके से अजम्पशन लिया है कि शुरुआत में पूरे वर्ल्ड में जो पानी था वो प्योर था। मतलब वर्ल्ड का सारा पानी कैसा था? प्योर फॉर्म में था। मतलब आज जो हम लोग देख रहे हैं सी वाटर जो सॉल्टी है, वो ना होके क्या था? प्योर वाटर था, राइट? तो हम लोग ने क्या लिया, ये अस्यूम किया कि भाई इसको बिलीव किया कि शुरुआत में अर्थ जो था एकदम प्योर वाटर था। टुडे का आज का जो पानी है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट है, वो किसकी वजह से है? क्योंकि हमने क्या किया, वो सलाइन वाटर क्यों है? क्योंकि वो कई बार कॉन्टिनेंट से रिवर्स के थ्रू आया, राइट? ऐसा हमने अस्यूम किया। इस थ्योरी में ऐसा बोला गया कि भाई दिस सॉल्ट हैज बीन कैरीड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स टू द ओशियन बाय द रिवर्स। ठीक, बस हमको ये पता चल जाए कि आखिर कितना अमाउंट ऑफ ओशनिक सॉल्ट आया है, राइट? हमको ये पता चल जाए कितना अमाउंट ऑफ ओशनिक सॉल्ट आया है, और हमको ये पता चल जाए कि ओशन में इस समय कितना सॉल्ट है, पता चला, डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा एरिया एज कितना है, राइट? तो इसमें क्या पता चल जाए, एंड इफ द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन द ओशन सॉल्ट बाय इज कैलकुलेटेड, तो हमको पता चला कि एज ऑफ क्या है ओशंस, राइट? क्या होगा, टोटल ओशनिक सॉल्ट अपॉन एनुअल रेट ऑफ ओशनिक सैलिनिटी। हमको ये पता चल जाए कि ओशन में कितना सॉल्ट है और एनुअल रेट, मतलब एक साल में कितना आपका ओशनिक सैलिनिटी हो रही है या ओशन में सैलाइन नमक आ रहा है, तो इससे हमको एज ऑफ अर्थ पता चल जाएगा। सिंपल चीज ये, ठीक। अब जॉन जॉली जो थे, इन्होंने क्या किया, एक बार ट्राई किया कि भाई ऐसे हम क्या करते हैं, एज ऑफ अर्थ निकालते हैं। तो इन्होंने जब निकाला तो भाई जो जिस हिसाब से निकाला, इनके हिसाब से 126 बिलियन मेट्रिक टन खाली सॉल्ट था, ठीक है, और जो आपने बताया ये इतना टन क्या था, सी, ठीक, ये वाटर जो हर साल लेके आते हैं। इन्होंने जब डिवाइड किया तो पता चला कि भाई उससे इंडिया अर्थ की एज कितनी निकली, सिर्फ 80 मिलियन ईयर्स निकली। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब जितनी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी इससे पहले, इरोजनल, सेडिमेंटेशन, टाइडल, उन समय तो भाई 4,000 मिलियन पढ़ के आ रहे थे। इन्होंने सिर्फ 80 मिलियन की यही एज बताई, यहाँ पे ये गलत हो गए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या डिफेक्ट थे, राइट? डिफेक्ट ये थे कि एस्टिमेट इज फार टू लो, कॉमन सेंस। अभी हम लोग क्या 4 बिलियन पढ़ते आ रहे हैं भाई, और आप कहाँ 80 मिलियन की बात कर रहे हो, ये मतलब बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जॉली ने किसको फेल कर दिया, किसको काउंट में नहीं लिया कि सॉल्ट जो है वो आपके ओशियंस में भी तो है, आपके मरीन डिपॉजिट, मरीन सेडिमेंट्स में भी तो है। सिंपल चीज ये, आप ये समझो, राइट? आपको ये पता है कि सॉल्ट जो होते हैं वो सीज क्या करती है, रिमूव भी तो करती हैं, ये भी तो समझो कि आप जानते हो जहां जहां डिपॉजिट होगा मरीन सॉल्ट, वहां वहां से आप देखते हो सी क्या करता है, मरीन डिपॉजिट्स भी लेके आता है, वहां से भी सॉल्ट लेके आता है। तो यानी जहां पे आपका इकट्ठा हो रहा है वहां से जा भी तो रहा है, ये एक पॉइंट हो गया, राइट? दूसरा क्या है, आपको पता है कि इरोजन जो होगा वो पूरी अर्थ में सेम नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ये हम लोगों ने इरोजन वाले में पढ़ा है। तीसरा चीज क्या है, कन्वेक्शन करंट राइजिंग इन द कोर ऑफ द अर्थ ऑल्सो ब्रिंग सम सॉल्ट विद इन देम। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, आपको पता है जैसे ये अर्थ है, ये कोर है, यहां से जो मैग्मा उठ उठ के आता है नीचे से और ये ऐसे मूव करता है, ठीक है, यही कन्वेक्शन करंट है, ठीक। ये कन्वेक्शन करंट क्या होती है, अर्थ के कोर से भी कई सारे सॉल्ट ऊपर लेके आती है, तो ये सॉल्ट भी क्या होगा, जब मैग्मा के थ्रू आप जानते हो क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो मैग्मा निकलने के बाद वोल्केनिक एरप्शन होगा, चाहे वो सी के अंदर हो चाहे वो लैंड के अंदर हो, सॉल्ट का सैलिनिटी बढ़ाएगा, चाहे वो सी में हो चाहे लैंड पे हो चाहे रिवर हो चाहे लेक हो, कहीं पे भी हो सैलिनिटी तो बढ़ाएगा। सिंपल चीज क्या है, तो ये क्या है, ये कुछ डिफेक्ट्स हैं किसमें, सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करके एज ऑफ अर्थ बताने में। तो यहां से उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कैसे सैलिनिटी, एक कॉन्सेप्ट था सैलिनिटी, कैसे हमने यूज किया एज ऑफ अर्थ बताने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करो, आप क्लास आईसीएससी हो चाहे आईएससी हो, दोनों के लिए कंप्यूटर के बैचेस शुरू हो गए हैं। आईसीएससी के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 1490 का और आईएससी के लिए 990 का, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और आप वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं प्रतीक सर के द्वारा लाइव। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।